एक मेरा प्रश्न है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है जिसमें टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है, और जो टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है उसमें 6.5 लाख किलोमीटर जो जमीनें हैं वो केवल आदिवासियों की कवर करके रखे हैं। इसमें करीब करीब कम से कम 70 लाख आदिवासी परिवार हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं प्रश्न उपस्थित करूंगा। जब इतना बड़ा कॉरिडोर की बात चल रही थी, हमारे लोगों को क्यों नहीं मालूम? ये मेरे हाथ में ग्रंथ है, ये जो मीटिंग कराई गई है, यहां जो बुलाया गया है, ये मजमा आप लोग जो देख रहे हैं, ये इसीलिए नहीं बुलाया गया कि किसी को नेता बनाना है, किसी को हम एमएलए बनाना है, इसलिए नहीं। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई कि यह पहली बार होगा भारत में जब 1 करोड़ आदिवासी अपनी जमीन से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल हो जाएंगे। जो आदिवासी भारत है, एक है नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय, नागालैंड, ये एक आदिवासी भारत है जो 6 शेड्यूल का भारत है, 7 प्रदेश है। लेकिन दूसरा आदिवासी भारत है झारखंड, आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, केरल, कर्नाटका, ये मध्य आदिवासी भारत है। ये हिंदू भारत की जो बात चल रही है, ये तभी संभव है जब आदिवासी भारत खत्म हो जाए। इस देश को हिंदू राष्ट्र बोलना यानी आदिवासी मुक्त भारत की बात करना है। इस देश का मालिक कौन, किसकी है जमीन, किसके लिए किया जा रहा है सब कुछ? आखिर आपको इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? साथियों, ये अगर प्रोजेक्ट पास हो गया, केवल 2800 शेरों के लिए 1 करोड़ आदिवासियों के घर बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2800 शेर 1952 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब शेरों की बात की थी इस प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में, जब सीपीएन बरार था, तो यहां पर कम से कम 6000 शेर थे। जब आदिवासियों के पास में जंगल था तब 6000 शेर, 70 साल हो गए गवर्नमेंट के हाथ में जंगल आया तो 2800 शेर। बड़े बड़े पर्यावरणवादी, बड़े बड़े वन प्राणी संरक्षक एनजीओ, ये लोग अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आदिवासियों के बीच में नेता से ज्यादा पैसे एनजीओ के लोग कमाते हैं। इस देश में जितना फंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए नहीं आता, उतना फंड एनजीओ के लिए आता है, और ये काम आरएसएस के लोग करते हैं। कोई ताली नहीं बजाए, क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच में हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र। एक तरफ आप आदिवासियों को डायरेक्टली आदिवासी नहीं बोलते, उसको तुम आदिवासी बोलने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अनुसूचित जनजाति बोलते हो। अरे अनुसूचित जनजाति के नाम पर हमको आरक्षण मिला है, लेकिन आदिवासी के नाम पर 5वीं और 6वीं अनुसूची मिली है, जिसको स्वायत्त संस्था बोलते हैं। ये जो मीटिंग कर रहे हैं हम, ये इसलिए कर रहे हैं भाइयों कि इस मुद्दे को लड़ने के लिए उस लायक नेता हमारे पास में होना चाहिए। इसके पहले जब पहला हमारा
कॉन्फ्रेंस हुआ मध्य प्रदेश में इंदौर में, तो पहली बार किसी नेता ने, एक सीनियर मोस्ट नेता ने एक स्टेटमेंट दिया कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, उनको मूल निवासी का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और वो बोलने वाले नेता का नाम है शरद पवार साहब, पहली बार खुल के बात करने वाले। उसके बाद राहुल जी ने बोला अभी यात्रा के दौरान, बाकी नेता जो है ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको यूएन में रिकॉग्नाइज करने की बात चल रही है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, समाज के जो आदिवासी देशों के जो संगठन है वो पवार साहब के स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लिए। अभी राहुल जी ने बोला वो स्टेटमेंट को सीरियसली लिए। लेकिन सवाल ये है भाई, हमारे साथ लड़ेगा कौन? लड़ाई बोलते किसको? किसको लड़ाई बोलते हैं? आदिवासियों का साथ कौन देगा? ये प्रश्न सबके सामने खड़ा है। हमारे प्रश्न इतने जटिल हैं कि बताया नहीं जा सकता। ये जो कॉरिडोर का प्रश्न है ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये जो आज का कार्यक्रम है, आपको याद होगा एसटी एट्रोसिटी एक्ट के लिए लोग शहीद हुए थे इसी 2 तारीख को, 13 लोग मरे थे यहां। ये वही 2 तारीख है जिस दिन आज आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा बोलने का मेन मकसद यह है कि आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए उस मुद्दे को लेकर लड़ने के लिए। कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी पार्टी हो, केवल यह मुद्दा लेके जाने की बात नहीं होनी चाहिए, आपके मैनिफेस्टो में आना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए कि हम आदिवासियों के साथ ईमानदारी से इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। यह बात सामने आनी चाहिए, आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए। इस देश के जितने राष्ट्रीय संगठन हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते, अपने घोषणा पत्र में लिखते कि यस, अगर हमारी सरकार बनती है तो इस देश के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी का दर्जा दिलाएंगे, संयंत्र रच दिए कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है, खुलेआम बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं रहता है, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं रहते इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मामूली प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो हमारी कौम को खत्म करने का प्रश्न है। आपकी पहचान छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। ये लड़ाई को हम अगर अलग से लड़ते हैं तो ये लोग बोलते हैं बिरसा ब्रिगेड के लोगों की जो टोपी है वो नक्सलवादी जैसी दिखती है। पवार साहब ने खुलेआम महाराष्ट्र में बोला ये जो टोपी है ये मेरे सैनिक है, मैं इनके साथ में काम करता हूं, मेरे को भी आप बोलेंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर कल ये लोग अपने बिरसा ब्रिगेड को नक्सलवादी संगठन घोषित कर दिए तो सब कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जब कोई आदिवासियों का संगठन खड़ा होता है ये वही षड्यंत्र अपनाते हैं, उनको नक्सलवादी बोल देते हैं। नक्सलवादी बोल के आपको गोली मारने की परमिशन मिल जाती है, आपको उड़ाने की परमिशन मिल जाती है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी, ये थ्योरी अपनाई जा रही है। मेरे भाइयों, 4 प्रश्नों पे बात करेंगे, बाकी बात अपन सब मेहमान जाने की बात भी करेंगे, क्योंकि वो बच्चों के कल्चरल डांस है, वो बच्चों का प्रोग्राम है, बाकी लोगों के संबोधन है। ऐसे कई नेता है यहाँ पर, हमारे सीनियर ठाकुर दादा हमारे, और बाकी लोग दादा है, हमारे खंडाते दादा है, बाकी लोग जो सीनियर लोग हैं ये लोग भी आपसे बात करने आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर मरुस्कोले एमएलए है, बाकी हमारे बाकी लोग हैं जैसे प्रकाश गजबे जी, सलीम देशमुख जी, ऐसे कई लोग हैं जिनको हम लोग
फैसिलेट नहीं कर पाए। हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे भाई आए हैं, अंशान भाई थोड़ा खड़े हो जाइए आप, इनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत की। हमारे बीच में डॉक्टर राय है जिनकी नौकरी छीन ली है और उनको जेल भी कर दिए थे, जेल में रहे, उनके साथ कुछ आदिवासी बच्चे भी रहे। आप खड़े हो जाइए राय जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में चंद्रकांत वासनिक जी है जो नागपुर से आए, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये लोग भी हमारे मेहमान हैं। ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे जैश के हमारे सैनिक हो या बाकी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वाले लोग हो या हमारे ओबीसी महासंघ के लोग आए हो, हमारे गोंडवाना पार्टी के लोग आए हो, कुछ लोगों ने मूवमेंट को ऐसा बदनाम करने की कोशिश की है कि गोंडवाना का मूवमेंट मिशन के लोग तोड़ रहे हैं। भैया यही मिशन है जिसने संघर्ष शाह रघुनाथ शाह का नाम अंडमान निकोबार में लेके गए, यही मिशन है जिसने बाबूराव शर्मा के को यूनाइटेड नेशंस तक के पहुंचाया है, यही मिशन है जिसने राघोजी भांगरे का पूरे देश में नाम किया, विश्व नाम कर रहे हैं, यही मिशन है जिसने बिरसा मुंडा के विचारों को, टंटे भील के विचारों को वहां तक पहुंचाया है। और यही मिशन है, पहला मिशन है जिसने महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ में जोड़ के बताया है कि भारत के ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो आंदोलन था, जो मानव अधिकारों का आंदोलन था, उसके प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे, ये वो मिशन है। इसका उद्देश्य गोंडवाना के आंदोलन को तोड़ना नहीं है, गोंडवाना को जोड़ना है, इसको इस तरीके से जोड़ना है कि हमारे समाज को जिन लोगों ने बेवकूफ समझे, हमारे लोगों को कमतर बोलने वाले लोग समझते हैं, हमको कमजोर समझ रहे हैं। 32% पॉपुलेशन है हमारी और बोला जा रहा है 22% है, 67% जमीन थी हमारी, बोला जा रहा है 26% है। अरे आदमी धर्मांतर हो गया होगा, आदमी ये प्रदेश से वो प्रदेश में चले गया होगा, मर गया होगा, जमीन कहां गई? आदमी भाग सकता है, जमीन भाग सकती है, वो गायब कैसे हुई? किसकी जमीन पर लैंड बैंक की बात कर रहे हैं आप? किसकी जमीन पर डिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? एफडीआई की जमीन पर, एफडीआई की बात किसकी जमीन पर कर रहे हैं? किसके पास जमीन है? प्रधानमंत्री जी के पास है, राष्ट्रपति के पास है। हमको बोला जाता है आपको तो राष्ट्रपति बना दिया हमने, राष्ट्रपति जी ने पिछले छह महीने का आप स्टेटमेंट देखिए, आदिवासी दिवस पर भी आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोल रही, इतना डर गई है, क्योंकि एजेंडा है आपको वनवासी बोलने का, एक मूवमेंट है आपको वनवासी बनाने का। अरे वनवासी किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं, सुअर को बोलते हैं, जंगल में आदिवासी रहता है उसको भी वनवासी, यानी मानववाचक संज्ञा नहीं देगी। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। आपके पास आरक्षण है क्योंकि आप आदिवासी, आपके पास जमीन है क्योंकि आप आदिवासी, आपके पास आज छोटे मोटे साधन है जिंदा रहने के, आप पढ़ रहे हो, थोड़ी नौकरी है क्योंकि आप आदिवासी, यहां तो आपकी पहचान ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये आदिवासी प्रदेश है, अब ये गैर आदिवासी प्रदेश में इंक्लूड करने की थ्योरी शुरू हो गई। बिरसा ब्रिगेड का जो स्थापना दिवस, ये स्थापना दिवस आदिवासी अधिकारों के लिए समर्पित है, ये मंच खुला है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया, हमने सभी संगठन के लोगों को बुलाया, हमने सभी भाइयों को बुलाया, क्योंकि हमारे पवार साहब का आदेश था कि भाई सब लोगों को बुलाओ, सबको लेके चल। मेरे भाइयों, जो इश्यू हमारे हैं, जो मुद्दे आदिवासियों के हैं, भारत में किसी समाज के नहीं है, किसी वर्ग के नहीं है, केवल आदिवासियों के राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी है। क्या बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं बोलती है कि भारत में आदिवासी रहते हैं? क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कभी आप सोचो, अरे आपके आने वाले बच्चों की पहचान ही खत्म करने के षड्यंत्र चल रहे हैं, ये पहचान की बात है। आप लोग मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि ये
पंचायत हो रही है अपने लोगों की, एक सामाजिक पंचायत हो रही है। हम बैठे हैं, हम अपने प्रश्नों पर सुनना चाहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल तो ऊपरी बात होती है, अंदर से होना चाहिए। वो बात सीधी सीधी दिमाग में जानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं हमको ये रास्ता अपनाना है, वो रास्ता अपनाना है। इसलिए भाई सभी पार्टी के लोगों को हमने बुलाया, विशेष करके हमारे बीच में इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब हैं, हमने कमलनाथ जी को भी बुलाया था, हेमंत सोरेन जी को भी बुलाया था, और इस देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब को भी हमने बुलाया था, क्योंकि उनसे हमारी चर्चा हुई और वो चर्चा पर हम सहमति बनाए। उनको भी हमने आमंत्रित किया था, उनका उत्तराखंड में प्रोग्राम होने की वजह से वो नहीं आए। ऐसे लोगों को बुलाने की इसलिए जरूरत है कि हमारे प्रश्न बहुत अलग है, कोई खुल के बात नहीं करता है, कोई खुल के ये माहौल को, इस माहौल में इस मूवमेंट को चलाने की कोई बात नहीं करता, सामाजिक प्रश्नों में छूने की भी बात नहीं करता है, केवल ऊपरी ऊपरी बात करके टॉक करके लोगों को अपने साथ करना, ये मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट इसलिए स्थापित किया गया है कि समाज को बचाया जा सके, ये मूवमेंट इसलिए स्थापित किया गया है कि राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। ये मूवमेंट जिन लोगों को हमने याद किया, दुर्गा मां स्कूले मां साहब, हमारे भाई, हमारी जो छोटी सी बच्ची है, मैं उनके फादर को यहां देखा नहीं, उनके पिताजी शायद यहां पर है, वो गुजर गई है, वो कैडर थी मूवमेंट की, हमारे फिरोज भाई मूवमेंट के कैडर थे। ऐसे लोग यहां पर नहीं है हमारे बीच में, उनका देहांत हो गया, हमारे सेनानी दादा का देहांत हो गया। ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भी याद करता हूं। और ऐसे लोग भी हमारे बीच में है जो कभी स्टेज पे आते नहीं है, नीचे ही बैठते हैं और किसी को देखते नहीं और ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हो, IPS हो, या क्लास 1 कैडर का अधिकारी हो, क्लास 2 कैडर का अधिकारी हो। उनके लिए, ऐसे जो लोग पर्दे के पीछे इस मिशन को चला रहे, जोरदार तालियां उन लोगों के लिए। ये पहली बार है पूरे देश में जब आदिवासियों में मिशन नाम की चीज चल रही है। लोगों को समझता ही नहीं था, मैं पहले मिशन बोलता था तो लोग बोलते थे क्रिश्चियन वाला काम दिख रहा है। ये हालत थे आदिवासी, ये क्रिश्चियन तो नहीं बन रहे, मिशन बोलता है सतीश पेंडा। मिशन का मतलब ये है, वो जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों ने मिशन चलाई है, उस वजह से हम लोग यहां हैं। आप लोग समाज के सच्चे सैनिक हो, आप लोग मिशन को चलाने वाले लोग हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इधर बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूं तो मैं सर्वोच्च, गलत। आप लोग, इन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है। यहां बैठे हुए जितने लोग हैं सर, ये कार्यक्रम की खासियत आपको बताना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जब ये प्रोग्राम हमने तय किया, किसी नेता वेता से पैसे मांगने नहीं गए, हमने शुरुआत किया एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए। एक ट्रक चावल लाए हमने, वो इधर उधर का चावल था, उसको बनाए, उसको ले जाके मार्केट में बेचे, दूसरा चावल खरीद के लाए और काम चालू है। 10-10 रुपए से आप लोग ये खड़े किए। कुछ नेताओं को हमने लेट बुलाने का निर्णय लिया था, क्योंकि कुछ VIP नेताओं का पहले, वरिष्ठ नेताओं की पहले हमारे पास क्लियरिफिकेशन आए तो फिर हम उनको बुलाए। किसी टाइप का हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और नहीं करेंगे, लेकिन मिशन वही रहेगा जो मिशन के साथ में रहेगा, जो समाज के साथ में रहेगा उसी आदमी के साथ मिशन रहेगा, क्योंकि इस मिशन की लड़ाई उसी लेवल पे है। ये समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई का लड़ना है। इसको लड़ते वक्त हमको जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो जो हमारा साथ देगा, वो हमारे साथी। बड़ी अच्छी बात हुई आज हमारे बीच में, छगन भुजबल साहब आए जो OBC चेहरा माना जाता है देश, हमारे बीच में राजा साहब आए, और ऐसा आदमी जो दिल्ली से बात करता है पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, RSS के खिलाफ में सबसे ज्यादा स्टेटमेंट राजा साहब के हैं।
हमारे कुछ साथी लोग हैं जो उनके अटैचमेंट में है, लेकिन मैं राजा साहब को बोलना चाहता हूं, अब सब स्टेटमेंट हो गए, अब आपके स्टेट में आदिवासी दिखाई देना चाहिए, आपका स्टेटमेंट आदिवासियों को होना चाहिए, उनकी वकालत होनी चाहिए, उनकी एडवोकेसी करने वाला व्यक्ति नहीं है। हमारे पास पवार साहब है, मैंने पिछली बार बोला था कि सबके पास मशीन गन है, सबके पास बम है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा बम है, वो है बम का नाम पवार साहब। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपना मानते हैं, आदिवासियों के वंशज है सब। मैं हम लोग ये मिशन के थ्रू बोल रहे हैं, हम बड़ी जवाबदारी से बोलते हैं कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं, ये सच्चाई है। इस मिशन में कोई जाति पाति नहीं चलती है, इस मिशन का मेन समाज और समाजवाद और उसकी थ्योरी, उसका मिशन और उस लड़ाई को हम लोग लड़ने की तरफ जा रहे हैं। आप सब लोग खंडाते दादा मेरे लिए बहुत आदरणीय है, बाकी आप जितने लोग हैं यहाँ पे, अभी हमारे दादा नहीं आए, वरखले दादा नहीं आए, जो पुराने बुजुर्ग के एक बिस्तर पे है हमारे दादा, उनका नाम बन्नेलाल दादा, नेपाल बेचारा यहाँ बैठा था, वो चले गया वो चावल देखने के लिए, इधर सीमा थी वो चले गई उधर घूमने के लिए, बबलू ये बेचारे जितने कैडर है सब व्यवस्था में लगे, इनको कोई मंच मंच से कोई लेना देना नहीं। ऐसा व्यवहार करने वाले, ऐसा काम करने वाले, जमीनी काम करने वाले पूरे कैडर्स को मेरा सलाम। आप सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं पूरी जवाबदारी के साथ तीन बातें मैं पूरे महत्वपूर्ण इन सब नेताओं के सामने रखता हूं कि आप आदिवासियों के सामाजिक अस्तित्व को बचाने के लिए क्या प्रोग्राम रखना चाहते हैं। जो हमला कांग्रेस में नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा हमला आरएसएस आदिवासियों पर हमला कर रही है, मुस्लिम भाइयों पे भी उतना नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के आड़ में आरएसएस आदिवासियों को ही टारगेट कर रही है, ओबीसी भाइयों को भी टारगेट कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका विक्टिम आदिवासी है। आपके पास उसके लिए क्या प्रोग्राम है, आप क्या सोचते हो कि आदिवासी मूवमेंट कैसे बच जाएगी, इस समाज का मूवमेंट कैसे तैयार होगा, ये समाज का वजूद इनका अस्तित्व कैसे बचेगा, इनकी पहचान कैसे बचेगी, उसके लिए आप क्या सोचते हो, ये दो प्रश्न। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आपका हमारा कैसा रिश्ता रहना चाहिए, आप पार्टी के वरिष्ठ हैं, हम आपके वोटर, ये वाला रिश्ता नहीं होना, वोटर और नेता वाला रिश्ता नहीं, एक सामाजिक रिश्ता हम चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आदिवासियों ने आप पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, बहुत विश्वास किया आप पे आदिवासियों ने। आदिवासियों का ऐसा रहता है किसी का समर्थन नहीं करते, समर्थन नाम की कोई चीज आदिवासियों को समझती नहीं, एक तो अविश्वास या तो विश्वास, और आप पे बहुत विश्वास किया है, आपको इस लड़ाई को किस तरफ ले जाना है, किस तरीके से आप लड़ सकते हैं, इस दिशा में आपको सबका मार्गदर्शन करना है। और पवार साहब हमारे बीच में है, खासियत पवार साहब को खाना नहीं खाती हमने, ये एज में ये स्टेज पे क्या करेज है, मैं हल गया हूं, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं हल गया, लेकिन पवार साहब का जो जोश है मैं उनको सैल्यूट करता, ये कैडर होता है, ब्रिगेडियर मैं नहीं हूं भाई, दादा मैं ब्रिगेडियर नहीं हूं, हमारे मेन कमांडर इन चीफ पवार साहब है, ऐसे व्यक्ति को मैं देखकर है ना हमारे बीच में जो ऊर्जा आती है पवार साहब की कंडीशन से प्रेरणा लेकर, पवार साहब से प्रेरणा लेकर हमारे बीच में ब्रह्मानंद मलावी है जिसका कैंसर से उनका ऑपरेशन हुआ, जो आपको जब भी भूख बांट रहा था, ऐसे लोग भी अपने मूवमेंट में है। मैं जितने लोग मंच पे है जिनको बोलने का मौका नहीं मिला, सम्माननीय इन सब लोगों को मैं अपने मन से जोरदार सब पूरे मेहमानों के लिए आप लोग ताली बजाइए, क्योंकि हम लोग बोलने नहीं दिए, अब हमारे सामने सिर्फ दो स्पीचेस है, एक कल्चरल डांस की हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि ये दोनों नेताओं के पहले, वरिष्ठ नेताओं के पहले आदिवासी कल्चर से इस पूरे माहौल को बनाया जाए और उनके उसके बाद में उनका स्पीच हमारे बीच में होना चाहिए। मैं सीमा दीदी से बाकी लोगों से विनती करता हूं कि उस कल्चरल डांस को सामने लाओ स्टेज पे नहीं, क्योंकि वो बच्चे बहुत देर से आप लोगों के बीच में आना चाहते हैं और एक एटमॉस्फेयर बनता है कल्चरल,
तो मैं उन लोगों का जोरदार वो बच्चों का आपको हौसला अफजाई करेंगे, वो हमारे बीच में आए हैं। मैं आप तमाम लोगों से विनती करता हूं अपने अपनी जगह बैठ जाइए और उन बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। इसके बाद में हमारे बीच में इस राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब बोलेंगे और उसके बाद में हमारे प्यारे पवार साहब बोलेंगे। मैं यही आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई इस कार्यक्रम को प्रॉपरली चलाया जाए। इसको ये आखिरी के दो भाषण है, इसको बहुत सीरियसली हम लोगों को सुनना है। पूरे माहौल को बनाते हुए हम लोगों को इस भाषणों को सुनना है। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी।